Well, hello folks, welcome to another episode of Bollywood This Week. Of Amar Ansari, aap sabhi logo ka Ranbir Kapoor, Amitabh Bachchan, Alia Bhatt and Ayan Mukherjee ki film Brahmastra Part 1 Shiva ke Day Number 3 ke official box office collection India Overseas yani ke worldwide ke episode mein tahe dil se hardik swagat karta hoon. Kya ho raha hai mera bhai? Aur friends, aise dinon ke intezar hum mahine mahine nahi balki abhi saal saal karne lage hai. Kyunki guys, jin filmon ke sath yahan par Ranbir Kapoor ki Brahmastra compete kar थी उनको रिलीज हुए बहुत साल हो गए। फिल्मों के नाम ले लेते हैं, पहले टाइगर जिंदा है, संजू, उसके बाद सुल्तान, बजरंगी भाईजान, रेस 3, ये सारी की सारी जो फिल्में थी। अब भैया रेस 3 का नाम सुनकर चेहरे पर हंसी आ गई। 3 दिन में रेस 3 ने 103 करोड़ का बिजनेस किया था विद मोर देन 330+ करोड़ वर्ल्ड वाइड, जो कि बड़े से बड़े हीरो अभी तक नहीं कर पाए हैं। इसलिए हंसी रोक लीजिए भैया। तो अब गाइज बात करते हैं इन फिल्मों की। तो गाइज ये फिल्में जो थी, ये गाइज ये बहुत साल हो गया था एंड इंडस्ट्री में इसका रिकॉर्ड टूटते हुए दिखाई नहीं दे रहा था। एंड अब गाइज ब्रह्मास्त्र से जो उम्मीदें थी वो जुड़ते गई एंड सभी को पता था कि ये फिल्म आएगी तब इस तरह के नंबर्स करेगी, लेकिन इतने हद तक करेगी ये किसी ने गेस नहीं किया था। एंड यस गाइज, वी हैड ह्यूमंगस फिल्म्स दिस ईयर। वी हैड ऑब्वियसली KGF चैप्टर 2, द प्राइड ऑफ इंडियन सिनेमा, वी हैव बाहुबली टू द कंक्लूजन, वी हैव RRR, लेकिन जो हिंदी वर्जन है स्पेशली आउटराइट हिंदी वैसे रिकॉर्ड नहीं थे। वेल फ्रेंड्स, हिंदी वर्जन की बात करूं, KGF चैप्टर 2 का हिंदी वर्जन ने अपने ओपनिंग वीकेंड में 194 करोड़ का बिजनेस किया था। सुल्तान ने वीकेंड में 180.36 करोड़ का बिजनेस किया था, लेकिन सुल्तान वेडनेसडे को रिलीज हुई थी, ब्रह्मास्त्र या फ्राइडे को रिलीज हुई है। इसलिए 3 दिनों का जो वीकेंड है उसके हिसाब से हम आज के एपिसोड में बात करने वाले हैं। वॉर ने अपने 5 दिनों के वीकेंड में 166, उसके बाद भारत ने 5 दिनों के वीकेंड में 150 किया, लेकिन यहां पर ब्रह्मास्त्र का 3 दिनों का वीकेंड इसको हाईएस्ट ओपनिंग वीकेंड बना देता है इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी सिनेमा। कैसे, सारी की सारी चीजें आज के एपिसोड में, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हिंदी नेट कलेक्शंस के बारे में बात करेंगे, ओके? उसके बाद जब वर्ल्ड वाइड आएगा तब ग्रॉस बात करेंगे। हिंदी में डे 1 32.50 करोड़, डे 2 38.50 करोड़, एंड 2 दिनों में इस फिल्म ने 71 करोड़ का बिजनेस किया था। बात करूं गाइस ऑल लैंग्वेजेस की, डे 1 37 करोड़ नेट, डे 2 43.50 करोड़ नेट, यानी कि ऑल लैंग्वेजेस 80.50 करोड़ का नेट था। अब गाइस डे नंबर 3, तो ऑल इंपोर्टेंट संडे, द हिंदी कलेक्शन इज 40 करोड़। यस फ्रेंड्स, केवल हिंदी में फिल्म ने 40 करोड़ कमाया, यानी कि अगर खाली हम लोग केवल हिंदी भाषा के बारे में बात करें, इस फिल्म ने 111 करोड़ 3 दिनों में कमा लिए, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एंड ये जो नंबर्स है जो इंडिया से आए हैं, इसमें जो 3D वर्जन का योगदान है वो बहुत ज्यादा अमूल्य है। ऐसे नंबर्स आज के जमाने में बहुत कठिन होगा आने वाले समय में किसी भी फिल्म को करने के लिए। एंड मात्र हिंदी वर्जन में ब्रह्मास्त्र ने 111 करोड़ का नेट कमाया है। साउथ की बात करें तो पहले दिन जो साउथ लैंग्वेजेस है वहां पे 4.50, दूसरे दिन 5 करोड़, एंड संडे को 4.25 करोड़ कमाकर यहां पर संडे का जो कलेक्शन है वो है 4.25, यानी कि 40 करोड़ संडे हिंदी, 4.25 करोड़ साउथ से इसका जो नेट कलेक्शन है वो है 44.25 करोड़। यस फ्रेंड्स, 44.25 करोड़ रुपीज कमाकर संडे को इसने अपना जो टोटल है 3 दिनों का उसको 124.75। यस फ्रेंड्स, द नेट कलेक्शन ऑफ ब्रह्मास्त्र इन 3 डेज इज 124.75 करोड़। मैंने आपको सुबह ही कंफर्म कर दिया था कि स्टार स्टूडियोज ने ऑफिशियल नंबर जो है वो 18.9 मिलियन का भेजा है, यानी कि 150 करोड़ जो इसका ग्रॉस होता है। सो 124.75 द न्यू हाईएस्ट वीकेंड इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी सिनेमा। यहाँ पे कोई ग्रॉस एड नहीं किया, कुछ भी ऐड नहीं किया, नेट में 124.75 ओपन करके यहां पर ब्रह्मास्त्र चला गया है। एंड गाइस 124.75 यहां पे कैलकुलेट करूं, संजू का हाईएस्ट वीकेंड था 120.06, टाइगर जिंदा है 3 दिनों में 114.93, सुल्तान का 3 दिन 105.53 था, यस 5 दिन में 180.36 था। उसके बाद बात करो दंगल का 3 दिन 107.07, बजरंगी भाईजान 3 दिन 102.60, रेस 3 3 दिन क्या 2.5 दिन में 100 मारा था, लेकिन 3 दिन कैलकुलेट करेंगे 103, ठग्स ने 5 दिन में 123, वॉर ने 5 दिन में 160, लेकिन 3 दिनों का जो रिकॉर्ड था वो यहाँ पर ब्रह्मास्त्र ने तोड़ दिया है। अ प्राउड मोमेंट, एक ऐसा मोमेंट है जहां पर जितने लोग हैं इंडस्ट्री में उनको खुश होना है, उनको रिजॉइस करना है, क्योंकि दिस इज एन एब्सोल्यूट जॉयस मोमेंट।
जो इमेंस प्राइड एंड हैप्पीनेस हो रही है मुझे, क्योंकि गाइस ब्रह्मास्त्र ऐसी फिल्म जो है ना उसको बनाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, एक बहुत बड़ा विजन चाहिए, एंड जब वो एग्जीक्यूट होता है एंड जब जनता को पसंद आता है तब गाइस बहुत खुशी होती है। आने वाले समय में इसके पार्ट टू की जो तैयारी हो रही है स्पेशली देव को लेकर, या फिर जो किरदार दूसरा वाला है महिला का उसके किरदार को लेकर किस तरह से पार्ट टू अब डेवलप होगा, ईशा कैरेक्टर क्या है क्या नहीं है, ये आने वाले एपिसोड्स में हम डेफिनेटली डिस्कस करने वाले। मैं स्पॉइलर इसीलिए नहीं दे रहा हूं कि मैं चाहता हूं ये फिल्म एक हफ्ता जो है बॉक्स ऑफिस पे अच्छा बिजनेस करे, वरना गाइस यहाँ पर पहले दूसरे दिन ही स्पॉइलर्स बन जाती है। हम थोड़ा रुकेंगे, एटलीस्ट फर्स्ट वीक इसका चले जाने दीजिए, उसके बाद में मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि वो जो किरदार है जो हाथ पे वो पहना हुआ है, जो कैरेक्टर है, समझ जाओ मैं नाम लूंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा, वो कौन है, कौन सा एक्टर उसका रोल निभाने वाला है ये भी बताऊंगा। चलो एक चीज बता के जाता हूँ आप लोग को, वो रोल रणवीर सिंह नहीं निभा रहा, ठीक है। तो बहुत लोगों को जो दिमाग था कि रणवीर सिंह को कैरेक्टर निभाएगा पार्ट टू में, नो इट्स नॉट रणवीर सिंह, वो कौन है ये भी मैं आपको बताऊंगा, सारी सारी चीजें। लेकिन रुक जाइए, फिल्म अभी भी बॉक्स ऑफिस पर चल रही है, सो गाइस जो विजन है उसको अब मजबूती मिल गई है कि यस पार्ट टू में हम सभी लोगों को बहुत मेहनत करनी है। तो अब गाइस ये जो 124.75 करोड़ है इसका ग्रॉस जो होता है वो यहाँ पर होता है 150 करोड़ रुपीज। तो गाइस 150 करोड़ इस फिल्म ने सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन कमाया है। तो अब गाइस डे नंबर थ्री किस तरह से होता है, डे नंबर थ्री 44.25 करोड़ नेट, जिसका ग्रॉस होता है 52.37 करोड़, एंड ओवरसीज इस फिल्म ने 12.63 करोड़ कमाया है। यस ओवरसीज में क्या हुआ है मैं आपको समझाता हूँ, डे नंबर वन 29.37, डे टू 33 करोड़, एंड डे नंबर टू जो था उसमें इन लोगों ने ओवरसीज का जो वीकेंड एस्टिमेट है वो भी इंक्लूड कर दिया। हमने देखा किस तरह से, हमने कल यूएसए डिस्कस किया, यूके का भी मैंने आपको बताया किस तरह से ऑलमोस्ट 500,000 pounds, एंड अब छुट्टी होने के कारणवश 1 million pound जाएगा, एंड एडिंग द एस्टिमेट्स इसने 33 करोड़ का नंबर पाया। लेकिन ऑब्वियसली ओवरसीज फिल्म ने तीसरे दिन 12.63 करोड़ की ही कमाई की, एंड ओवरसीज जाकर अब इसका टोटल जो होता है वो है 75, सो 150 करोड़ का ग्रॉस इंडिया, 75 करोड़ का ग्रॉस ओवरसीज। इसी के साथ इस फिल्म ने 3 दिनों में 225 करोड़ का बिजनेस किया है, जो कि आज ऑफिशियली यहाँ पर प्रोडक्शन हाउसेज है उन्होंने पोस्टर रिलीज किया है। सो ब्रह्मास्त्र डे नंबर वन 75 करोड़, डे नंबर टू 85 ड्यू टू द एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग ओवरसीज। यस तीसरे दिन ओवरसीज ने इतना सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ 12.63 करोड़ का कलेक्शन आया, लेकिन इंडिया में इस फिल्म ने फार कलेक्शन किया ऑन अ संडे 44.25 नेट, इसी का कारण है तीसरे दिन पे इसने वर्ल्ड वाइड 65 करोड़ कमाया, एंड इसी के साथ अब इसके कलेक्शंस जो होते हैं वो है नन देन 225 करोड़। तो कांग्रेचुलेशंस टीम ब्रह्मास्त्र, बॉस इंडिया में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए है, ओवरसीज में सब रिकॉर्ड तोड़ दिए है, 225 करोड़ का पहला वीकेंड बहुत कम फिल्मों ने किया है, हिंदी फिल्मों ने, कांग्रेचुलेशंस ब्रह्मास्त्र। अब गाइस आज मंडे है, मॉर्निंग के शोज बहुत ही डिसेंट ओपन हुए हैं, 12 या 13% है, आफ्टरनून एंड इवनिंग के शोज को पिकअप कैसे भी लेना पड़ेगा, लेट्स सी गाइस क्या होता है। शाम का एपिसोड मिस मत करना, पूरा वो 75 करोड़ का जो ब्रेकडाउन है ओवरसीज का वो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। ओके एपिसोड पसंद आया पीछे को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड नहीं देखिए ब्रह्मास्त्र जाके देखिए अपने नजदीकी सिनेमाघरों में। साइनिंग ऑफ यू, वेरी सून टिल देन एज ऑलवेज से Stay cool, man.